ख्वाहिशों की लंबी उड़ानों के बीच जिंदगी की जद्दोजहद करते मासूमों को नहीं मिल रहा भोजन। संभागीय मुख्यालय रीवा, जहां शिक्षा के हर वो साधन मौजूद हैं जिनकी मदद से विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। जी हां, ये हम नहीं, हर वो शख्स कहता है जो रीवा के बारे में जानता है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत से हम आपको रूबरू करवाते हैं। हाथ में खाने की थाली और उसमें खाना, लेकिन ये क्या, ये बच्चे खाने को फेंक रहे हैं? अब हम आपको इस खाने के बारे में बताते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम है काजल भाई। कौन सी क्लास में आप हैं? कौन सी शाला में पढ़ते हैं आप? शासकीय प्राथमिक विद्यालय वाला गुगरी। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे खाने में? सर, यहाँ खाना भी अच्छा नहीं आता है और पानी पीने जाते हैं तो यहाँ मना भी करते हैं। यहाँ बोलते थाली भी मत धुला करो, तो हम लोग कहाँ जाए, पूरे नल भी खराब है यहाँ पास। थाली आप लोग खुद धुलते हैं? हाँ, खुद धुलते हैं। कोई भाई नहीं? एक बार रख दिए थे, भाई थी, वो बोलती है खुद धुला करो खाके। खाना किस तरीके का रहते हैं आपके? खाना अच्छा नहीं आता सर, कभी कीड़ा आता है, कभी कुछ भी, तो कोई बच्चे खाते नहीं। एक बार कीड़ा आया था, हॉस्टल वाले कोई नहीं आता सर। एक बार कीड़ा आया था और यहाँ गंदगी आई है, देखिए इधर गंदगी फैलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कल्पना दाहिया, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय विद्यालय घोघर मध्य प्रदेश। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे आपको? यहाँ खाने में कीड़े आती हैं और यह थाली धोने में मना होता है और पानी पीने भी मना होता है। बोलते हैं सर जी जली जी बना, कुछ नहीं बोलते हैं। शिकायत की आपने कभी? हाँ सर, बहुत हम ही लोग को मारते हैं एक काम कर। कौन से टीचर है वो? ये और बोलेंगे अरे मार डाला। इन नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या कहना है? कीड़े वाला खानी, पानी पीने में भी मनाही, थाली खुद धोना है, ये हाल है शहर के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोघर का। चारों तरफ फैली गंदगी और बच्चों की बातें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ ख्वाहिशों की उड़ानें भरने के लिए जरूरी पोषण का स्तर क्या है। जा जा।